हरि ओम। मैं स्वामी मैत्रियानंद गिरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड और टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपके लिए 2023 में मिथुन राशि वालों के लिए 2023 वर्ष कैसा रहने वाला है उसका भविष्य कथन करने जा रही हूँ। और एंजल से और यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए ये नया साल बहुत शुभ हो, सुंदर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला हो, प्रेरणादायक हो। ऐसी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए एंजल से आज ये रीडिंग शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो आप इसको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। पहले हम ऑरकल से एंजल्स का संदेश लेंगे कि वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं इस साल, और देखते हैं। पहले वही कार्ड निकालेंगे और सारे कार्ड निकालने के बाद मैं तब रीडिंग शुरू करूँगी। अगर आपको मेरी ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और वाह, बड़े अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। आपके लिए 2023 शुभ है, बढ़िया है, अच्छा हो रहने वाला है आपके लिए। और वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, अति सुंदर आपके लिए। एंजल्स का प्यार, एंजल का आशीर्वाद। अब मैं टैरो से देखती हूँ, टैरो कार्ड से, कि कैसा रहने वाला है 2023 मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। आप लोगों को अगर मेरा कार्ड अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के लिए और सुंदर, नाइन ऑफ पेंट्स, बहुत अच्छा। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, एंजल्स ने आपके लिए ये मैसेज दिया है कि अगर आपकी कहीं कोई नाराजगी चल रही थी या आप कहीं कोई किसी से परेशान थे, तो फॉरगिवनेस का है कि आप उन्हें फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, रुकिए नहीं कहीं भी। तो आपको इस साल सक्सेस के लिए जो है अपना एक नया रास्ता चुनना होगा, एक नई डायरेक्शन लेनी होगी, ऐसा एंजल्स का आपके लिए इस साल का संदेश है। और आप जो एक नया कोई काम शुरू करेंगे, नया प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, ऐसी उम्मीद है कि आप इस साल कुछ नया भी करेंगे, एडवेंचर करेंगे आप इस साल, नए साल में। तो उसके जो आपको रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा नियर फ्यूचर में मिलेंगे, एकदम से नहीं मिलेंगे। जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसका एकदम से कोई रिजल्ट नहीं आता है, धीरे धीरे ही रिजल्ट्स आते हैं। तो गाइड्स आपके लिए अभी जो इस 2023 के जो पहले तीन महीने हैं, मार्च तक का समय सही नहीं है। आप कोई एडवेंचर मत करिएगा, कोई नया करने का प्रयास नहीं करिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। और उसके बाद आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ नया करने की, उसमें आपकी सक्सेस, निश्चित रूप से आपकी सक्सेस है, ऐसा एंजल्स का कहना है, ऐसा एंजल्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और इस साल आपको साल के अंत तक बहुत खुशी मिलेगी, अबंडेंस, आपको बहुत खुशी प्राप्त होगी और आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी वो है, लेकिन जो थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपको संभल कर रहना होगा, कुछ आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी तो रहेगी, लेकिन आप उसके ऊपर ओवरकम कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आता है, हम आते हैं टैरो के ऊपर। एंजल्स का तो भरपूर आशीर्वाद है, आपको सक्सेस भी है, रोमांस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है आपके उसमें, और जो भी आप नया काम शुरू करेंगे उसका, लेकिन आपको एक नई डायरेक्शन लेकर के काम करना होगा, पुराने ढर्रे पे आपको नहीं चलना होगा, आपको एक नया अपने लिए
माहौल लेकर के, नई चॉइस लेकर के काम करना होगा, तभी आपको अबंडेंस के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ वो मिलेगी। और हो सकता है कि इस साल आपके लिए आपके घर में छोटी सी कोई किलकारी भी गूंज जाए, आपके परिवार में वृद्धि हो, ऐसा एंजल्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है। बाकी आप अपने पितरों के लिए दान जरूर करते रहिए, क्योंकि एंजल्स तो हमारे पितर ही हैं। अब हम देखते हैं टैरो से क्या है आपका, टैरो से हम देखते हैं क्या है नया साल 2023। देखिए, जो आपको इस साल जो है ना, अपने आप को बैलेंस्ड करके चलना होगा, इन डिसीजन की स्थिति में नहीं रहना है। आएंगी कई ऐसे मौके आएंगे जहां आपको ये लगेगा कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इन डिसीजन की परिस्थिति में फंस गए हैं, तो वहां से आपको निकलना होगा। निकलना आपको अपनी ऑटो सजेशन से ही होगा, इसमें सिर्फ आपकी अपनी ऑटो सजेशन ही आपको मार्गदर्शन करेंगी, किसी की सलाह से नहीं चलेगा। जो आपके अंदर आत्मा की आवाज़ आए आप उसके अकॉर्डिंगली काम करिएगा, इस तरह आप डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले पाएंगे। और आपको लेने पड़ेंगे डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऑप्शंस होंगे, सब कुछ होगा, कुछ ऑप्शंस अपनाने पड़ेंगे, कुछ अवॉइड करने पड़ेंगे। उसी तरह जीवन की कुछ परिस्थितियों के साथ आपको चलना होगा, कुछ परिस्थितियों को आपको छोड़ना होगा। ये बात आपकी पारिवारिक जीवन पर भी लागू हो रही है और व्यावसायिक जीवन पर भी लागू हो रही है, नौकरी में है तो वहाँ भी लागू हो रही है, जहाँ कहीं भी आप हैं आप वहाँ ये बात लागू हो रही है। और कहीं ना कहीं से आपके दिल के ऊपर एक झटका जरूर लगेगा, आपका दिल टूटेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में डगमगाना नहीं है, संभल कर ही रहना है और अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को उस परिस्थिति से बचा कर निकल जाना है। इसके बाद आ रहा है आपके उसमें आपकी, आपको अपनी माँ से बहुत प्यार मिलेगा, लविंग मदर, और हैप्पीनेस है, और आपके लिए इमोशनली आप स्टेबल रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, आपको अपनी मदर का साथ मिलेगा। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि सही मदर का साथ लीजिएगा, अगर आपको गलत एडवाइस मिलती है तो उसे मत मानिएगा, आप मदर की बात जरूर मानिएगा, क्योंकि आपकी मदर आपको बहुत प्यार करती हैं, समझे? हाँ, तो क्योंकि ये वाइस वर्सा है, अगर अब मदर तो आपसे प्यार करेंगे ही, क्योंकि आपकी मदर है। अब आगे हम ये देखते हैं कि आपकी जो इस साल इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को कभी अवॉइड मत करिएगा, जो आपकी अंतरात्मा अंदर से इनर स्ट्रेंथ, आपकी जो आत्मशक्ति है, इनर स्ट्रेंथ मीन्स आपकी जो आत्मशक्ति है उसके अकॉर्डिंगली चलिएगा और उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, किसी चीज़ को और बढ़ाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो आप करिएगा इनर स्ट्रेंथ को। और आपको, क्योंकि जब हम इनर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो कुछ कॉशंस भी लेने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं बढ़ जाती है, कुछ डू और डोंट्स भी होते हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है। ये हर इंसान की अपनी अलग अलग परिस्थिति के अकॉर्डिंगली होंगे, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ये हर एक मोटा मोटा हम आपको लेआउट दे रहे हैं, बाकी तो आपकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। ये जो हम आपको लेआउट दे रहे हैं, इस लेआउट से आप एक गाइडेंस ले सकते हैं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप अपना नया साल 2023 का प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। हम आपको एक थोड़ी थोड़ी लेआउट देते हैं। सर, मैं ही टैरो कार्ड रीडर ऐसा नहीं कर रही हूँ, कोई दूसरे भी टैरो कार्ड रीडर्स होंगे वो भी आपको केवल लेआउट ही दे सकते हैं कि आपकी परिस्थिति ऐसे 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 सो हो सकती है। बाकी तो जो कुछ है या तो पर्सनल रीडिंग से होगा या फिर आपकी जन्म पत्री से होगा। तो पेड रीडिंग के लिए अगर आपको करना है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको एक वाइजली रहना होगा, इनर स्ट्रेंथ है, इनर गाइडेंस से चलना होगा, और आपको इंट्रोस्पेक्ट भी करते रहना पड़ेगा अपने आप को, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपना आकलन खुद नहीं करेंगे ना तो फिर भटक भी सकते हैं, तो हमें भटकना नहीं है, हमें एक अच्छे ढंग से कार्य करना है। और आपको थोड़ा समय अपने लिए अलोन अकेले में बिताना होगा, ताकि आप अपना आत्म अवलोकन कर सकें। भीड़ भाड़ में हम अपने आत्म अवलोकन नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमें सोल सर्चिंग करनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा रिलीजियस हैं या आध्यात्मिक है तो सोल सर्चिंग के लिए तो आपको एलोन होना पड़ेगा, बिना एकांत के तो हम सोल सर्चिंग नहीं कर सकते हैं।
समझिए ना, तो उसके लिए एक हाथ जरूरी है। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ, होप, फेथ सब आपका बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी इनर स्ट्रेंथ, थोड़ी सी इनर गाइडेंस आप मिथुन राशि वालों आपके पूरे साल की एक बुनियाद है, एक बेस है, जिसके ऊपर आप ये 2023 का सुंदर 365 दिन का अपना एक प्लान बना सकते हैं और उस प्लान को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत दयालु हैं और आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपके पास इस साल कई नए आइडियाज़ भी आएंगे अपनी प्रोग्रेस के लिए। उस प्रोग्रेस के लिए जो नए आइडियाज़ आएंगे उनको आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उन ऑप्शंस को, नए आइडियाज़ को लेकर के आगे का रास्ता ले सकते हैं, 2023 कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एंजल्स का भी कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे भुनाना है, कैसे अपने पक्ष में करना है, ये आपको एक प्लानिंग के तहत करना होगा। बिना सोचे समझे मत करिएगा, हर चीज़ को एक गहन विचार के बाद करिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि माता जी आपने बताया तो था लेकिन हमारा तो काम नहीं बना। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच विचार से अपने जो जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय जरूर लीजिएगा, तभी आपकी डेवलपमेंट होगी और आपकी स्किल भी बढ़ेगी, आपकी स्किल भी तो बढ़ानी पड़ती है ना। तो इस साल देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, 9 of Wands, भाई आपके पास विक्ट्री, गुड हेल्थ और करेज और जो बाउंड्स थी, जो बाउंड्रीज थी वो सब आपकी खत्म होंगी और आपका क्या आएगा, विक्ट्री आएगी, गुड हेल्थ आएगी और साहस आएगा, करेज। तो मिथुन राशि वालों इस नए साल का दोनों हाथ खोल के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका ये साल आपकी फेवर में है, आपके पक्ष में है, बस आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और इनर गाइडेंस, ये दो ऐसी बातें आपके लिए निकल कर आई हैं इस नए साल में, जो आपको पूरे साल बचा कर रखेंगी, आपका साथ देंगी, साथ निभाएंगी, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो इनर स्ट्रेंथ और इनर गाइडेंस को जरूर मानिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, तो आपको प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, कि आप जो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे ना उससे कोई नहीं रोक सकता, आपको ये सब अपनाना होगा। हरिओम, गुड लक, आपको परमात्मा खूब तरक्की दे, आपको हेल्थ दे, आपको वेल्थ दे, आपके लिए 2023 बहुत शुभ हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उपाय आपके लिए ये है कि आप पितरों का दान जरूर करें। हरिओम, नारायण हरि।